अगर रउआ के पति पत्नी के संबंध के बारे में इतना ज्ञान रहित नू तो आज राहुल पति रउआ के छोड़ के ना चाहे छोड़ के ना चाहे रउआ ना अपन पति के बारे में सोची। अभी तक हमें इतना जान बा कि अपन रिश्ता कैसे बचाए जाला वो हमरा के बखूबी आयला। अगर रवा कुछ करल चाहता नीनू तो अभी रवा यहाँ से जाई। हमने के तनी अकेले छोड़ दी जाई। रवा अगर ही सोच थी कि जे तरह रवा अपन पति से लड़ाई करके बड़का भैया के एक घर से दूर कर दे ले वही तरह रवा हमार और हमार पति के बीच में लड़ाई लड़ा के हम पति पत्नी के अलग कर दे तो रवा गलत वाली। ऐसा औरत के नाम डाइन कहल जाता। मम्मी हमरा नींद आवत बा चला ना सुते कब से ऐजा बैठल बानू। बेटा चल हम तरह का सुधर तने। मम्मी हमरा के लोरी सुनावे। चाचा जी हमरा लोरी गा के सुताई दू। अब बेटा अभी रात बाटे और सब कुछ सुतल बाटे अगर अभी गाना सुनाए नो तो हमरा डांट पड़ जाए। तब हम ना सुतब हम मम्मी के संग ही सुतब। अच्छा अच्छा ठीक बा चल हम तरह खातिर गीत गाए ठीक बा चलो सुते अब चलो आओ आओ सुता दे। हो गजब गजब के लोग वा जग में स्वार्थी भये समाज हो दुख में कहाँ बा के हो संगतिया ये दुनिया में आज हो हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देना हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देना जब समय हो न कमजोर जब समय हो न कमजोर तहर कोई साथ छोड़ देना। लेकिन भौजी अमर भैया आई है कैसे वो तो घर छोड़ के गल बड़े नो। बबुआ जी रवा के पता बानू कि पीहू के पापा पीहू से कितना प्यार करी ना और जब उनकरा के पता चली कि पीहू के जन्मदिन बा तो वो जरूर आ जाए। बस हमने के वो काम करे के पड़ी पीहू के नाम से पीहू के पापा के एगो अखबार में इश्तिहार देवे के पड़ी और वहां के जहां भी हो खबनू पीहू के जन्मदिन के पार्टी के इश्तिहार देखकर वो जरूर आ जाइन वहां के अपने आप का रोक ना पाई। जब उनकरा के पता चली हमार पीहू बेटा अपने पापा के संग अपन जन्मदिन मनावा चाहत बानी और अगर वहां के पढ़ब पापा हम अपना जन्मदिन पे तहार इंतजार करत बानी और पीहू के संदेश पढ़कर पीहू के जन्मदिन पे पीहू के पापा जरूर आ जाइन। कहा बोल बाबू जी चुप कहा हो गए नहीं आगे भी तो बताएं। बबुआ जी हमरे भीरी तो पैसा की एगो कौड़ी भी नहीं खे कि हम पीहू के जन्मदिन पे खर्च कर सके। भौजी हमरा भी कुछ पैसा बाटे क्योंकि हम 2 महीना का पैसा बचा के रख ले रहे और कुछ ज्यादा भी लगी तो हम इन्हें उन्हें से व्यवस्था कर ले। ना बबुआ जी कर्ज के बोझ ना बहुत बुरा होला दिखाई ना देला लेकिन कर्ज के बोझ के तले दब के नू जियल बहुत मुश्किल हो जाला। ये सबसे नू खूब सुंदर चला बताओ ते पुना चिवावे के नहीं कहल जात बोले के कहल जाता बोला।
तू हमार बेटा से अतने प्यार कर तू ना, तो हमार बेटा घर छोड़ के ना जाए। ध्यान देवे के बेरा बड़ा तार बुद्धि काम करेला। हाँ अपना बेरिया, अपना बेरिया हो बुद्धि घात चल चल गई। आज हमार बेटा महरारू के प्यार पहले बिना का जाने कहाँ कहाँ भटकत तू। तारा आता ना ना ठीक रहला, तारा घोड़ा बेच के और टांग पसार के सुता तरलू हा, कि तारा पत्ते ना चलला कि तार मरद कहाँ चल गई। अब तू बोला कि तू हमार बेटा के पैर के जूती रहला हा, और हमार बेटा जूती पहन ले रहा ला, जूती पहन ले रहा ला, जूती पहन ले रहा ला, जूती पहन ले रहा। तू अतना ओकरा के तंग कइलू कि ऊ घर छोड़ के चल। रहे दे माई, अब इनकर ना सजा इतना बहुत बा, अब आगे की सजा तो इनकर बेटी इनका के दे। वो ऐसा से चल गई गया, नहीं तो आगे के सवाल ना वो इनकरा से पूछे तब इनके बुझाई। अपना जन्मौला जब सवाल जवाब करे ला ना, तो ऐसा लागे ला कि धरती फाटत और हम उमें समा जाई थी। जा पीहू तहरा से पूछी, पीहू तहरा के बुझाई, तहरा के बुझाई। भौजी छोट मुंह बड़ बात हुई, लेकिन जौन उपाय रहुआ वो औरत के बतैनी है का उपाय रहुआ अपना खाते नहीं अपना सकत। आखिर कब तक चुपचाप रहुआ ई लोग कैसे अत्याचार सहत रहम। बबुआ जी हम वो औरत खातिर प्रधान बानी और एक घर परिवार खातिर बहू, और एक बहू के अधिकार होकर पति से मिलेला। अब जब हमार पति एजा नेखे तो हम केकरा से अपने अधिकार के बात करे, और जवन कुछ भी मेरे साथ हो रहा बानू वो सब कुछ हमारे नियति में बा। एकर मतलब कि अमर भैया जब तक ना आई हैं वो लोग ऐसे अत्याचार करत रहे और वो चुपचाप सहत रहा। रंजन आरती भाभी हमरा के पूरा विश्वास है कि अमर भैया बहुत जल्दी घर आई हैं। रंजन तू आरती भाभी के जवन बतावल आइडिया हमरा से कहला अनु, वो पीहू की बर्थडे खबर वाला वो जैसे ही छपी ना हमके पूरा भरोसा बाकी अमर भैया जहां कहीं भी होइहन वो जरूर घर वापस आ जाइहन। तू एक बार कन्या के बात पे विचार करिया। दीदी हमरा से विनती करे के कोनो जरूरत नहीं थी, हम इतना नीच नहीं थी कि हमरा बड़ चोड़ के लिहाज नहीं थे, हम बड़ के बात ना मानी। ठीक बा अब रवा कहत नहीं तो इंदिरा के हम बंद कमरा में सजा थे। अम्मा जी हमरा के रउवा से एगो बात और कहक रहे। कतार घर टिक गई लो परसों हम पीहू के जन्मदिन के पार्टी रखने बानी, पार्टी रखने बानी। पार्टी केकरा से पूछ के रख लू है हो? आ? अब पार्टी के लिए जरूरत का पैसा कहाँ से आई? अम्मा जी बबुआ जी हमरा से कहनी हाँ कि पार्टी के पैसा अभी अपने लगे से दे दे, और जब बाद में हमारी सैलरी आई तब हम ग्रह के वापस कर दे। तहार मन बहुत बढ़ गिल बकरिया, मन बहुत बढ़ गिल बकरिया, ये कुल हमारे बर्दाश्त से एकदम बाहर बा। पहले तू हमारे बेटा के बर्बाद कैलू, हाँ घर से बाहर जाए पे उतारू कैलू, बाप बेटा के एक दूसरे के सामने तू खड़ा कैलू, हाँ इतना कुछ कैला के बाद भी तहर पेट ना भरल। अब हमारे छोटका बेटा पे नजर गड़ौले बड़ू, ओकरा के हमारे विरुद्ध खड़ा करल चाहता रू। बित्ता भर बेटी के जन्मदिन मनाए खातिर उतराइल बड़ू तू। चलो एकर फैसला अमर के बाबूजी करिए, एक होता कर्ज चुकाव लेके जात और ऊपर से जन्मदिन मनाइए। चलो तू हाँ।
पूछे अपन पतोह से कि का हो गई। एगो बेटा के तो बर्बाद करके घर छोड़वा देली, अब हमार छोटका बेटा के भी कर्ज में डूबा के घर से बाहर कर जाता। अब बताई हमारे छोटका बेटा के पैसा से ये जन्मदिन के ताम झाम कर जाता। गलत का बा, अगर उपी हो के जन्मदिन मनावे के चाहता रही तो ठीक है नुभा, तो ठीक है नुभा, तो ठीक है नुभा, तो ठीक है नुभा। जगत और रंजन हमारा से बतैलन कि ये लोग अपना भतीजी के जन्मदिन मनावे के चाहता रहे, एक में कौनो गलत बात नहीं है। तो का अब रंजन के पैसा से जन्मदिन मनी? माई कोनो बड़ पार्टी नहीं रखले हम, मंत्री विधायक फिल्म के हीरो हीरोइन के बुलावे के बाकी हमारे लाख रुपए खर्चा हो, इसमें हमारा सैलरी से हो जाए तो चिंता मत। अगर हमारा डीए मैडम और बीजो साहब के बुलावे के बा तो खाना के कुछ आइटम बढ़ावे के पड़ी, फूल सजवावे के पड़ी और उन लोग के संग 10 आदमी आईबो करेला, तो हमारे हिसाब से टोटल खर्चा हो जाये 50,000 महीने पड़ जाये। अगर ये पैसा महेश्वरी ज्वेलर्स वाला ना दे तो आज हमार कौन दुर्गति हो, हमारे बाबूजी के सामने गिर गिराए के पड़ित। लेकिन ये तो 2 लाख रुपया हम अपने बाबूजी के कर्जा चुकावे खातिर ले बनी, हम इनमें से खर्चा ना कर सकेले। अगर कुल कर्जा चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से मिला दिया जाओ तो 4,20,670 रुपया हो जाए और हमार महीना के इनकम मात्र 6,000 रुपया। महेश्वरी जो घुस देने पर 2 लाख खूब बाटे तो 2,06,000 रुपया बचल, तो और हमारा चाहिए 2,12,670 रुपया। महेश्वरी? हेलो, हाँ महेश्वरी जी बोली। रंजन बाबू एक काम और बा, अगर हो जात। अरे बोली ना। कौन काम बा महाराज, एकदम हो जाए। लेकिन हाँ एक बात के ध्यान जरूर रखम कि कबो एक हाथ से ताली ना बजेला। अरे रंजन बाबू हम कब मना कैले बानी, हम तो हाजिर है आदेश का पालन करे खातिर। महेश्वरी जी कहा कि हमरा 2,25,000 रुपया और चाहिए, रवा कहीं से हमरा खातिर व्यवस्था करवा दे, और जोन काम भी हुई रवा चिंता मत कर, हम प्रधान जी से कह के करवा दे। लेकिन रंजन बाबू इतना पैसा तो ज्यादा हो जाए। अरे काम महेश्वरी जी रवा खातिर कहाँ ज्यादा बा, अभी तो काम शुरू होके जा रहा बा, और वो तो पता बनो कि 5 साल खातिर प्रधान जी बने, सब काम सेटलमेंट करा दे, रवा चिंता मत करी। ठीक बा? ठीक बा रंजन बाबू, हम भरे बैठल बानी। आवा अच्छा ठीक बा, हम अभी हम रिकॉर्ड कर रहे बानी। ठीक है पापा, रुआ का तब हम जन्मदिन पीहू। देखा बेटा एक बार अच्छा से याद कर ला तब बोला, याद कर। पीहू ऐसे पढ़ो ना पापा, परसों हमार हैप्पी बर्थडे है, जल्दी से घर आ जा, हम तारा संगे केक काटब। ठीक बा ऐसे पढ़ो। चल पापा जल्दी संगे बरसो। देवर जी ये काम पीहू से खाली बबुआ जी करा सकत बानी, रहुआ सब एजा रुकी हम बबुआ जी के लियावत बानी। ठीक वो का बना रंजन बाबू कि कैसे करके हमारे नई दुकान का लाइसेंस प्रधान जी से दिलवा दे, ओकरा खातिर रहुआ जोन बोलबर हम करे खातिर तैयार बानी। अरे महेश्वर जी लेकिन लाइसेंस बनाने में का बा, इधर वो खुद कचहरी में जाके बनवा सकता नहीं। वो का बना रंजन बाबू कि जेकरा से हम जमीन खरीद रही ना, वो बाद में उनके मालूम पड़ल कि जमीन के वो और के नाम बा, जेकरा से हम ले रही ओकरे नाम पे वो जमीन है ये ना हो। आप देखिए महेश्वर जी रान भाग ठीक बा, लेकिन ये मैं प्रधान जी का कर सकत बाड़ी, यही तो मामला सर्विस ऑफिसर और DSLR ऑफिसर के हाथ में बनू ना, तो वो जाए के खुद सिविल कोर्ट में अपन मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। वो सब हम कहले बानी, जमीन का जांच भी होके वाला बा, बस जब CO और थाना आई ना बस प्रधान जी से इतना बोल देम चाहे लिखवा देम कि जमीन जौन बा ओकरा के खानदानी जमीन बा जिकरा से हम खरीद ले रहे, तो ये केस हमारा बहुत मजबूत हो जाए। तो
का ही ओकर जमीन है। हाँ जमीन ओकरे बा, बस खाली पटेदारी वाला मामला फंस गए बा। वो कान दूसर पटेदार बेच दे ओकरा के पहले ही, और हम बाद में जमीन खरीद ली। बस ये गुजारिश बा कि प्रधान जी से कह के फैसला हमरा हक में करवा दे। अच्छा ठीक बा, तू जा पेपर तैयार करवा के ले आवा, हम प्रधान से अनुमोदन करवा दे। ठीक बा। देखी ना ये कपड़ा पीहू के पर अच्छा लागी। अरे और कुछ दिखावा, हाँ कैसन दिखाओ तरू। गरीब बाप के बेटी जैसन पहनी वैसन के नू मलेच दिखाई, तन ढंग के दिखावा। हमार पोती कुल ना पहनी होनिए का रख ले बड़ू, वो दिखावा। अपन बहिन खातिर रख ले बड़ू का, कि ओकर बेटी हो ई तो ओकरा के दिया ई। हाँ माई ये ऐसन कर भी सकेली, लेकिन ना इनकर बहिन के अभी शादी नहीं खे भय तो बहिने से ये उम्मीद में ना हुई हल। अम्मा जी रवा देखी ना एक बार कि कौन कपड़ा पीहू के ऊपर ठीक लागी। आप चाची जी राउर पसंद के काट सकेला का? कपड़ा पहचाने में तो रवा नू दुकानदार के पीछे छोड़ देला। अरे दुल्हन हम बचपने से बहुत शौकीन रहनी है कपड़न के। जब हम पीहू लेकर रहनी है नू तो हमारा के हमारे बाबू जी दुकान पे ले जाके बिठा देत रहलन है। हम अपना पसंद के मोए कपड़ा लेके आवत रहनी है। माई हाई देखा हाई कितना निक लागता, हाई सफेद कलर के ई पीहू के ऊपर बहुत अच्छा लगे, एकदम परी लगी है ना। और वैसे भी हम तो ये सोचे थे कि कहीं पीहू एजा बैठल बैठल ही ना सोचत हो कि हमारे पापा आयन तो हमारा खाती नहीं लेके आयन, हमारे पापा आयन तो हमारा खाती नू लेके आयन। वो कहा ना बच्चा भी अनु तो बच्चा के मन में बहुत सारा उम्मीद जाग जाला। अब मान ला कि पीहू इतना कुछ सोचत हो और बड़का भैया घर में ना आवस तो कहा ना संध्या दीदी जाना तनी। एको बच्चा के ना कोनो बात जितना जल्दी बढ़िया लागे ला नू उतना ही जल्दी कोनो बात बुरा भी लाग जाला। बस अरे पीहू मोहिनी तू ना थारा तनी क्यों नहीं के बुझात कि जौना बात जेकरा खातिर बोल रहल बड़ू करा कैसन लागी। भाग गेल ना खिसिया के पीहू। और तू संध्या के माई तारा तो एकर कम से कम ख्याल रखे के चाहिए ना कि केकरा सामने कौन बात बोले के चाहिए कौन बात ना बोले के चाहिए। का दीदी रवो का बात कर रहल बनी, वो जमाना नहीं खे। आजकल के लड़का कुल सब मोबाइल वोबाइल देख के सब बुझा तारे सब, ओकनी के मूर्ख बनावल इतना आसान नहीं खे। मतलब इतना छोट पीहू मोबाइल देख देख के समझदार हो गए भैया, ये कहल चाहता रू तू। अम्मा जी हम तनी पीहू के देख के आवत आनी। रुका कहा चल देलू हा? जी भागे वाला रहा ओकरा पर तो ध्यान न देलू हा। आगे बित्ता भर के लड़की चल गई तो ओकरा पीछे पीछे दौड़े लगलू। अब तू काहे का दे जाता रू, अब ओकरा के भड़कैबू कि तोर दादी है कहली है तोर दादी हौ कहली है। दीदी तेजा हमरा के सुनाते बड़ी, अब तू जाके पिहुआ के भड़कैबू कि आई के ऊ हमरा खिलाफ अब बोले लगे कुछ। कहीं ना जेबू तू ऐजे खड़ा रह, अब तारा के हम पीहू से ना मिले दे और सब क्योंकि हमरा खिलाफ खड़ा कर तू साजिश रचबू तू साजिश रचबू तू। अरे पीहू बेटा, अरे हेने आओ कहाँ हो गए, चुप हो जा। पर ये क्यों रो रही है संध्या जी? वो क्या है सिमी जी कि अखबार में जो खबर छपा है ना उसको पढ़ करके इसको अपने पापा की याद आ गई है इसलिए रो रही है। अब घर में छोटा मोटा बात तो होता ही रहता है, अब हर जगह हर समय आपको मसालेदार खबर थोड़ी ना मिलेगा। आरती जी क्या कर रही है?
आरती जी ना पीहू का जन्मदिन है तो उसकी तैयारी कर रही हैं, उसी में व्यस्त हैं। घर में बहुत सारा काम है ना, इसलिए मैं यहाँ आई थी तो मैंने सोचा कि मैं आरती जी से भी मिल लूं। हम समझ सकते हैं, आप अखबार वाली हैं और उनकी सहेली भी तो हैं, तो मिलना तो जरूर चाहेंगी। आप एक काम कीजिएगा, पीहू के जन्मदिन वाले दिन ना शाम को उनसे मिल लीजिएगा। नमस्ते। चलो बेटा। हाँ बुआ जी, जाता तनिक दरवाजा बंद करो। केहू आदमी अंदर नहीं आवे चाहिए, और ना हमनी के आवाज अंदर से बाहर जाए चाहिए, ना बाहर के आवाज अंदर आवे चाहिए। ठीक बाबुआ जी। तारा के एजा ऐसे ले नहीं है कि सजा तारा मिलो नू तो पीहू के दर्द मत हुको, बुझलू। और तू तो ये चात्र लुआ हा? तार मन के मुराद ही पूरा कर जाता हा? चलो अब सजा खाती शुरू हो जाए। वैसे चाची जी को बात कही का सजा नू ऐसा होके के चाहिए चंद देख के और सुन के तो मजा आ जाए। हाँ चाची जी एकदम सही कहलू दूल। अब तुम्हें ने बैठ का समझत पड़ू कन्या प्रधान जी कि हम तारा के चैन से जिए देव। हमरा संग जौन जौन कैले बाड़ू नू एक एक कर के बदला ले। अब तहार सजा लाइव वीडियोग्राफी हम एजा देखब, बस तू देखत रहा। बुआ हमरा बर्थडे पे हमरा पापा आये नू। पीहू बेटा अब हम तारा से कैसे कह दी जौन बात हम जनते नहीं की। हम तारा से कह दे कि तहार पापा आई हन और ना आई हन तो। और वैसे भी तू तो सोचे लू कि बुआ बस झूठे बोले ली। पीहू बेटा पता बा तहार पापा ना खाली तहार मम्मी के बात माने ना। ठीक है तहार मम्मी का है ना कहत अड़ी तहार पापा से, ये हमरा के नहीं खे बुझा। पीहू बेटा ये बतावा कि तू अपना मम्मी से पूछ लू है ना कि तहार पापा तारे बर्थडे पे आई है कि ना आई है, तो का कहली है याद करो कहली है का आई हन कि ना आई हन। नानू कहली है कुछ मम्मी तो कुछ बोल भी ना कहली है। देख तहार मम्मी तो चाहते नहीं थी कि तहार जन्मदिन में तहार पापा आवे। रंजन चाचा जगत चाचा बुआ दादी सब चाहता नहीं कि तार पापा तार जन्मदिन पे आ जा। हमार पीहू बेटा इतना खुश जो हो जाइ तार मम्मी नहीं की चाहत कि तार पापा आवसू। पीहू बेटा अच्छा ये बतावा कि दादी तारा मम्मी के अपना कमरा में ले गई बाड़ी ना, वो समझावे थे कि गई बाड़ी कि तार पापा के तारे जन्मदिन पे बुला ले, लेकिन तार मम्मी ना समझिए ना वो नहीं ही चाहत कि तहार पापा ना तहरे जन्मदिन पे आवे। पता नहीं का है हमरा के तो नहीं ही बुझा। अब पीहू बेटा तू ए जा बैठा हम आवतन। पीहू बेटा तू ना थोड़ी देर में अपने मम्मी के फोन करके ना पूछ लिया कि तहार पापा आई हन कि ना आई हन, ठीक बा। अरे तारा के का काम लगे लबेजा? ओ कहनु दीदी कि पीहू के बर्थडे खतरे में गुब्बारा और मोमबत्ती रखले बनी नू तो इबे के हम लेवे नी हां। तो ते का करबे में? हां हम सजा दे गुब्बारा फुला के और मोमबत्ती भी, ते कुछ और कर खाली इन्ने उन्ने टहलत रहला। हमनी के सुनत बानी जा बोला। हम पीहू की मम्मी देखा था
कैसे मौन के बाद धीरे धीरे जबान पे आवता कि पीहू से प्यारे ना करे, पीहू से प्यारे ना करे, ये पीहू से प्यार करत हो कि ना तो ये अमर भैया के एजा से जाए ना देती, उनके परेशान कर देले रह लिया। सब क्यों जाना था, अगर इनके दिल में पीहू खातिर प्यार होत ना तो अमर के घर से भगवबे ना करती, ये घर से भगवबे ना करती, ये घर से भगवबे ना कर सजा पूरा हो गई। जा जाके अब अपनी बेटी के सवार जा। हाँ आरती भौजी जा, तू बहुत गलत बोल लू, सब कुछ बहुत गलत बोल लू। हाँ तू पीहू से प्यार ना करे लू, ये सब सुन के ना हमके बहुत बुरा लागल। जा बहुत देर हो गई, पीहू के संहारा। अब दीदी हम मदद कर देते हैं, जाए। का हुआ, मजा आई नू? अब मजा आई इनके, जब इनकर बेटी इनके जवाब सवाल करे। पीहू बाबू ऐसे काहे कहा ताड़ू। हाँ पप्पी हम तो सुननी है फोन पे, तू का ना बाबू ऐसा बात नहीं के, हम तो तारा से बहुत प्यार करी ना, तुम्हें तो हमरे खातिर सब कुछ मानी लू। मत रो बच्चा, मत रो बाबू, चुप जा। मम्मी तू बहुत गंदा गंदा बोले ले बाड़ू हमरा के, लेकिन तू पापा से बात करबू तो हम थारा के माफ कर दे। फोन करे मम्मी पापा के। पापा के फोन काहे नहीं खिलागत मम्मी? बाबू तहार पापा के फोन बंद आवत बा,